हेलो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में पुराने जींस से बैग बनाना बताऊंगी। जिसके लिए पहले हम जींस पैंट को काट लेंगे। काट के हर तरफ से बराबर कर लेंगे, एक चकोल पीस बना लेंगे। उसके बाद हम पैंट के ऊपरी हिस्सा से कुछ कपड़ा काट के निकालेंगे। फिर उसे भी काट के बराबर कर लेंगे। फिर उसके बाद उसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, जिससे बैग में फीता बनाएंगे। उसके बाद हम कुछ कपड़ा लेंगे, जिससे बैग को डेकोरेट कर सके। अब हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के लिए दोनों भाग को नीचे से पकड़ के हम सिलाई लगाएंगे। इसमें उल्टा साइड ऊपर रखेंगे और सीधा अंदर के तरफ रखेंगे। फिर सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई लगाने से मजबूत होता है। फोर्टी सेवन इंचिस है, आपको जितना इंच लेना हो ले सकते हैं। इसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए मैं यह कपड़ा ले रही हूँ। थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे फैब्रिक के बीचों बीच में। और फिर सिलाई लगाएंगे, एकदम किनारा किनारा सिलाई लगाएंगे, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। दोनों तरफ से ऐसे ही सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम बैग के ऊपरी हिस्सा को, जिधर से मुंह खुला हुआ होता है, ओपन रहता है, उस साइड एक एक इंच मोड़ के सिलाई लगा देंगे दोनों तरफ। इसके बाद बैग को जिधर ओपन रहता है उधर छोड़ के तीन साइड से सिलाई लगा देंगे। डबल सिलाई लगाएंगे, जिससे बैग मजबूत होगा। उसके बाद बैग में हम फीता लगाएंगे। सुई धागा से या सिलाई से जिस तरह लग जाए उस तरह आप इसमें फीता लगाएंगे। मैं सिलाई मशीन से ही लगा रही हूँ। इसके बाद हम फिर छोटा सा कपड़ा लेंगे, पैंट के टुकड़ा वाला कपड़ा, और ये लाल रंग का कपड़ा जो है, इसमें से एक डेढ़ इंच की चौड़ाई से हम कपड़ा काट के ले लेंगे। चारों तरफ से इसमें पाइपिंग लगाएंगे। उसके बाद हम बैग पे इसको अटैच करके सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम तीन साइड से सिलाई लगा देंगे।
देखिए बैग बनके कैसा दिख रहा है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो।